So in this particular video, we are going to do how to delete or insert a particular cell or cells. We had earlier done how to delete or insert cell columns and rows in a particular worksheet. Now we are going to do how to delete only a particular cells or a cell in a particular row or a column. Instead of deleting the entire column or the entire row, we'll just delete one particular or two particular cells. So let's say suppose here we have this entire table with our cells, and let's say suppose I want to delete this particular column without deleting this English column which I have in the next table. See what happens if I delete this entire column. The entire column gets deleted, and hence all the particular column headings which are there in other tables also get deleted at the same time. So instead of that, what I can do is I can just simply select this entire column. I'll right click, delete, and yahan pe we can select whatever way in which we want to delete this particular cells. Suppose maine kiya shift cells left. तो इससे क्या होगा ना, ये जो पर्टिकुलर कॉलम है ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा. या फिर अगर हम करेंगे शिफ्ट सेल्स अप, तो इससे क्या होगा, ये जो सेल्स है ना ये अप शिफ्ट हो जाएंगे. तो इससे इंटायर रो, इंटायर कॉलम, इससे क्या होगा ना, ये इंटायर रो जो सारे हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे. इंटायर कॉलम से ये सी वाला पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ ऑल दैट मुझे क्या करना है, सिंपली ये पूरा जो कॉलम है इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है. सो शिफ्ट सेल्स लेफ्ट एंड ओके. देखो कुछ चेंज नहीं हुआ, जस्ट ऑल द सेल्स, ऑल द रोज गॉट शिफ्टेड लेफ्ट वर्ड्स, दे गॉट शिफ्टेड लेफ्ट वर्ड्स. तो एक चीज़ और, एक फीचर और मैं दिखा देती हूँ. सेम थिंग आई शो यू इन दिस टेबल ऑल्सो. आई सेलेक्टेड द एंटायर, कॉलम, डिलीट एंड शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, ओके. तो देखो क्या हुआ, हर एक, यू कैन सी माई लोगो ऑल्सो, इट्स शिफ्टिंग लेफ्ट. बेसिकली क्या होगा, हर एक पूरा कॉलम एक एक लेफ्ट टूवर्ड्स शिफ्ट हो जाए, लेफ्ट वर्ड्स शिफ्ट हो जाएगा. सो दिस वॉज वन ऑफ द फीचर. और हम क्या कर सकते हैं, नाउ इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग द इंटायर टेबल कंटेंट्स, एक पर्टिकुलर सेल मुझे खाली हटाने, तो ये पर्टिकुलर सेल खाली हटाने के लिए राइट क्लिक, डिलीट. अब यहाँ देखो क्या ऑप्शंस है, शिफ्ट सेल्स अप, इससे क्या होगा ना, ये जो सेल्स है ये एक एक ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे. तो ओके क्या मैंने, एंड देखो क्या हुआ, एक एक सेल्स ऊपर शिफ्ट हो गए. इसीलिए ये जो मेरा मैथ वाला सेल था, मैथ वाला कॉलम हेडिंग था, ये भी एक ऊपर शिफ्ट हो गया. सो इससे क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वॉन्ट टू डिलीट द पर्टिकुलर सेल, वेदर यू वॉन्ट टू, हाउ यू वॉन्ट टू चेंज द कॉलम योर टेबल, whether you want to shift towards left, whether you want to shift towards upward. Obviously rightward shifting and downward shifting का कोई option नहीं है. It is always you are moving the columns leftwards or you are moving the rows upwards. So यहाँ पर क्या हुआ, column leftwards गए. यहाँ पर हमने देखा था that we shifted leftwards the columns, and यहाँ पर हमने देखा how the rows shifted upwards. This is there. Now again we can insert particular cells. Suppose मैंने इसको वापस से डिलीट किया, एंड लेट्स से सपोज आई वांट टू इंसर्ट वन सेल ओवर हियर. इंस्टेड ऑफ मैथ आई वांट टू इंसर्ट वन मोर सेल ओवर हियर. आई विल जस्ट राइट क्लिक, इंसर्ट. देखो क्या होगा, शिफ्ट सेल्स डाउन, यानी कि ये जो सेल है ना ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. अगर मैं शिफ्ट सेल्स राइट करूँगी तो ये वाला जो सेल है ये राइट शिफ्ट हो जाएगा. तो शिफ्ट सेल्स डाउन में मैंने क्लिक किया, ओके किया, एंड देखो क्या हुआ, अपने आप ये वाला सेल डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, एंड आई गेट वन एक्स्ट्रा सेल ओवर हियर. बेसिकली व्हाट हैपेंस, द इंटायर सेल्स मूव्स डाउन. आई विल शो यू वंस अगेन ओवर हियर, राइट क्लिक, इंसर्ट, शिफ्ट सेल्स डाउन, ओके. देखो क्या हुआ, एक एक सेल्स, ये पूरे कॉलम के एक एक सेल्स जो होंगे, जो इसके नीचे होंगे, वो सारे एक एक नीचे आ जाएंगे. इफ़ आई वुड हैव डन अदर वे, इफ़ आई वुड हैव जस्ट शिफ्टेड द सेल्स राइट, तो इससे क्या होगा, एक एक सेल्स राइट शिफ्ट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर रो में,
इस रो में जितने भी सेल्स होंगे ना वो राइट शिफ्ट हो जाएंगे. एंड जब हम लोग डाउनवर्ड्स शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, इस पर्टिकुलर कॉलम में जितने सेल्स होते हैं वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं. इस सेल के नीचे जितने भी सेल्स हैं ना वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे. इट वॉन्ट अफेक्ट द अपर सेल्स, जो भी ऊपर में जितने सेल्स हैं वो वाले अफेक्ट नहीं होंगे. नीचे जितने भी सेल्स हैं ना वो एक एक करके नीचे शिफ्ट हो जाएंगे. वेर एज व्हेन आई एम शिफ्टिंग इट टुवर्ड्स द राइट, राइट साइड में जितने भी सेल्स हैं वो राइट शिफ्ट हो जाएंगे. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट tool when we are making tables and when we have made certain mistakes in one particular portion of the table and jahan pe hame pura column ya fir row insert nahi karna ya delete nahi karna, khali kuch specific cells insert ya delete hame karne hai.